बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। भक्तों, आज हम आपको श्री राम विवाह की पावन कथा सुनाने जा रहे हैं। हम श्री राम के विवाह की भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। तोड़ धनुष श्री राम सिया वधु रूप में पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम श्री राम के विवाह की भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। तोड़ धनुष श्री राम सिया वधु रूप में पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जनकपुरी है राजा जनक की जो जानी पहचानी, धनुष यज्ञ की सदियों से चली आई रीत पुरानी। धनुष यज्ञ कर राजा जनक भी रीति निभाएंगे, धनुष यज्ञ को देखने हम तो तीनों ही जाएंगे। बोले राम धनुष यज्ञ का सार समझ ना आया, तभी ऋषि ने प्रेम पूर्वक राम को है समझाया। देवरात है नाम के राजा ने ये रीति चलाई, भेजा न्योता स्वर्ग लोक देवों की मंडली आई। देवरात राजा देवों के मन को भाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। तोड़ धनुष श्री राम सिया वधु रूप में पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। भक्तों, बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सभी देव राजा देवरात से अति प्रसन्न हुए तथा उन्होंने राजा विनात नामक एक धनुष दिया जो शिव का वरदान था। आज उसी धनुष का यज्ञ पूजन होने जा रहा है, साथ ही राजा जनक अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर भी करा रहे हैं। हम तीनों यह दृश्य देखने मिथिला नगरी चलेंगे। अगले दिन वो जनकपुरी जाने को हुए तैयार, राम लखन और ऋषि मंडली गुरु जी चले अगार। बड़ी मनोहर जनकपुरी क्या सुंदरता बतलाए, पशु पक्षी नर नारी न्यारे क्या क्या दिखलाए। बड़ी ही सुंदर यज्ञशाला लगी सब प्यारी, विश्वामित्र की पाके सूचना की भूपति तैयारी। राजा विश्वामित्र को फिर महलों में लाए हैं, राजकुंवर दो देख जनक फिर परिचय पाए हैं। गुरु विश्वामित्र राजन को फिर सब बतलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। तोड़ धनुष श्री राम सिया वधु रूप में पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। भक्तों, बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। गुरु विश्वामित्र ने जनक जी को श्री राम और लखन का परिचय कराया और बताया इन्हीं दशरथ नंदन ने ही ताड़का राक्षसी का वध किया है और मारीच और सुबाहु दैत्यों के भय से वन को भयहीन किया है। इन्हीं की सुरक्षा में मेरा यज्ञ संपन्न हुआ। यह सुन
जनक अति प्रसन्न हुए और तीनों का अतिथि रूप में सम्मान किया। जय श्री राम। अगले दिन प्रातः जल्दी उठ गए हैं राम लखन, विश्वामित्र के संग टहलने आ गए हैं उपवन। एक आश्रम देख राम ने गुरु से पूछना चाहा, कौन ऋषि का है ये आश्रम कोई नहीं वहाँ। बोले विश्वामित्र ये गौतम ऋषि का है आश्रम, दिया श्राप अपनी पत्नी को इंद्र देव के कारण। श्राप से पत्थर बनी अहिल्या, मिला उसे वरदान, मिलेगी मुक्ति आप चरण से छू लो हे श्री राम। शिला को छू पग से श्री राम तो नारी बनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। तोड़ धनुष श्री राम सिया वधु रूप में पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। भक्तों, शिला बनी अहिल्या को उनका वास्तविक रूप दे राम गुरु के साथ फिर से जनकपुरी आ जाते हैं और गुरुजी राजा की आज्ञा लेकर राम को धनुष दिखाते हैं। राम धनुष को देख पूछते हैं कि हे गुरुदेव, यह धनुष तो शिव जी का है, परंतु यह राजन जी के पास कैसे आया। सुनकर राम की बात जनक ने बात है बतलाई, सती दाह के समय की सारी गाथा समझाई। मेरे पूर्वजों ने यह धनुष है देवों से पाया था, कुछ समय के पहले नगर में बड़ा अकाल आया था। बिना अन्न और जल के कारण हुई जनता परेशान, खेत जोतने हल्ले कर हम करने चले अनुष्ठान। जैसे ही मैंने धरा पर हल को रख पाया, धरा बीच में एक कन्या को मैंने है पाया। उसी कन्या के वर हेतु में यज्ञ रचाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। तोड़ धनुष श्री राम सिया वधु रूप में पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। भक्तों, राजा जनक की सारी बातें सुन राम लखन गुरु जी के साथ यज्ञ मंडप में आ जाते हैं। तभी देखते हैं कि कई सैनिक मिलकर शिव धनुष को यज्ञ मंडप में लाते हैं। फिर जनक जी एक घोषणा करते हैं कि जो इस धनुष को उठाकर इसकी प्रटंचा चढ़ाएगा, वही सीता का वर कहलाएगा। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सुन के घोषणा महाराजा की आए राजा अनेक, चढ़ा सकाना कोई प्रटंचा दुखी हुए हरे। शर्मसार हो सभी ही राजा शीश झुकाते हैं, धरा पे ना कोई वीर है कह उठ जनक जी जाते हैं। सुनकर बोल लखन जनक के एकदम बोल पड़े, पता नहीं बाहुबल मेरा क्रोधित हुए बड़े। सूर्य वंश के हम तो अंश है धनुष की क्या औकात, अपनी पर आ जाए तो रख लेंगे धरा हम हाथ। देख क्रोध में लखन लाल को सब डर जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। तोड़ धनुष श्री राम सिया वधु रूप में पाते हैं,
हम कथा सुनाते हैं। भक्तों, लखन की तरफ देख राम ने बैठ जाने का संकेत किया और तभी गुरु विश्वामित्र ने राम को आज्ञा दी और कहा, जाओ और लखन के अनुसार अपने बाहुबल का धनुष पर डोर चढ़ाकर परिचय दो। यह देख सभी वीर महारथी सोचने लगे कि यह बालक क्या डोर चढ़ाएगा, यह तो अभी नादान है। रामचंद्र जी धनुष ओर फिर धीरे धीरे चले, भाए मन प्रभु सीता के लागे हैं अति भले। इष्ट देव को सुमिर मसीता करने लगी विनती, उठ जाए ये धनुष हो हल्का हो मेरे मन की। बड़ी सरलता से धनुष प्रभु राम ने उठा लिया, तान डोर फिर आसानी से धनुष पे चढ़ा दिया। छोड़ी डोर दसों दिशाओं में भारी गर्जना हुई, टूट गया शिव धनुष राम से जय जयकार हुई। देख के राजा जनक सभा खुश हो ही जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। तोड़ धनुष श्री राम सिया वधु रूप में पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। भक्तों, बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। धनुष की टंकार से कई राजा यज्ञ सभा में ही मूर्छित हो गए। कुछ समय पश्चात उन्हें होश आया तो वे सब जान गए कि ये कोई साधारण बालक नहीं अपितु नारायण का अवतार है। फिर क्या था, सब श्री राम की जय जयकार करने लगे। माँ सीता अपनी सखियों के साथ में आकर राम को जयमाला पहनाती है। यह देख सब पुष्पों की वर्षा करने लगते हैं। तो बोलिए जय श्री राम। बोले जनक जी विश्वामित्र से दे दो मुझे आज्ञा, दे दो सूचना दशरथ को मैं अवधपुरी में जा। सूचना भेजी जनक ने राजा दशरथ की नगरी, पाके सूचना हो हर्षित किया माला माल खबरी। विवाह निमंत्रण जनक ने राजा दशरथ को है दिया, राजा जनक की प्रतिज्ञा को राम ने पूरा किया। सभी मित्र संबंधी लाए दशरथ अपने साथ, बड़ी ही धूमधाम से दशरथ लाए हैं बारात। देख के राम को दूल्हा सब हर्षित हो जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। तोड़ धनुष श्री राम सिया वधु रूप में पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। भक्तों, राजा दशरथ के मिथिला पहुंचते ही जनक जी ने उनका स्वागत किया। फिर जनक जी ने दशरथ के आगे हाथ जोड़कर उनसे कहा, हे राजन, मेरी एक पुत्री उर्मिला जो लखन के योग्य है, तथा मेरे भाई की दो पुत्री मांडवी और कीर्ति जो आपके पुत्र भरत और शत्रुघ्न के योग्य, स्वीकार करें, मुझे धन्य करें, और अंततः यही होता है। राजा जनक ने दशरथ को है खूब दिया धन धान,
बोले दशरथ ऋणी मैं राजन लेकर कन्यादान। नैनों में है नीर जनक के मन में अति प्रसन्न, नारायण को दामाद रूप में पाकर हुए हैं धन। रीति रिवाज तो सबको ही तो पड़ता है निभाना, हर बेटी को एक दिन पति घर जाना ही पड़ता। सीता स्वयंवर की गाथा तो डीएस पाल ने गाई, मुनेंद्र प्रेम जी सुमिर शारदा अपनी कलम चलाई। जो भी सुनता राम कथा भव से तर जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। तोड़ धनुष श्री राम सिया वधु रूप में पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं।